हम एक ऐसे गांव की खबर दिखा रहे हैं जहां पर लोगों के आगे समस्याओं पर समस्याएं खड़ी हो रही हैं, वो भी गंभीर बीमारी को देखते हुए। जहां बात की जाती है कि लोग ठीक हो रहे हैं कोरोना जैसी बीमारी को, लेकिन खैजरा गांव एक ऐसा गांव है जहां लगातार जो है पेशेंट मिल रहे हैं कई वर्षों से, वो भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को। आखिर इन तत्वों को अगर देखा जाए, कौन सी चीज़ की कमी है इस गाँव में, इस ग्राम पंचायत खैजरा में, यह बात सामने निकल के सामने आ रही है कि जहाँ उम्र ज़्यादा होने से लेके युवा भी आज कैंसर से पीड़ित हैं। हम सीधी खबर आज आपको दिखा रहे हैं, एक गांव ऐसा है मध्य प्रदेश में जहां कैंसर के रोगी पाए जा रहे हैं और कई जानें भी चली गई हैं, लेकिन यह खबर दिखाना हमारी प्राथमिकता से एक यह दृष्टि रखती है कि आखिर इस गांव में है कौन सी बीमारी जिससे कैंसर होते हैं, कौन से तत्व ऐसे कम हैं जिससे बीमारी एकदम बढ़ती जाती है और लोगों को लास्ट समय में पता पड़ता है कि कैंसर है। यह खबर हम खैजरा गांव से दिखा रहे हैं, जिसे आप ज़रूर देखिए। और इस खबर पर जो है सरकार से गुजारिश है कि जो भी यहां पर तत्व कम है या कोई भी प्रकार की अगर बात सामने आती है कि इस गांव की जांच की जाए। यहां की पॉपुलेशन जनसंख्या अगर बताई गई है तो 1200 के बीच में है और यह ग्राम पंचायत है जैसीनगर जनपद पंचायत की खैजरा माफी ग्राम पंचायत सागर जिले में आती है और मध्य प्रदेश के सागर जिले का यह खैजरा गाँव आखिर पीड़ित क्यों है, यह खबर आप देखिए तुम तक न्यूज पर। जहां कोरोना की गंभीर बीमारी चल रही है, लेकिन एक गांव ऐसा है खैजरा माफी जो सागर जिले के विकास खंड जैसी नगर की पंचायत खैजरा माफी है, जहां पर कैंसर के मरीज मिल रहे हैं लगातार कई वर्षों से, लेकिन यह समझ में नहीं आ पा रहा है कि इस गांव में पानी की कमी है या किस काम कमी के कारण ये मरीज मिल रहे हैं, लेकिन कई मौतें भी इस गांव में हो चुकी हैं 13 से 14। हम आपको बता दें, इस गांव में जो है लगातार कैंसर से कोई ना कोई परिवार पीड़ित है। यह खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के खैजरा माफी गांव से हम आपको बता रहे हैं। यह पर जांच होना चाहिए जिससे जो तत्व कौन सा कम है ये बात सामने आना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए घातक बीमारी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के शिकार हो रहे हैं लोग। यह खबर देखिए तुम तक न्यूज पर। राकेश तिवारी की रिपोर्ट, कल्लू खान के साथ। हमारे बीच में खैजरा गांव से राजेंद्र सिंह जो है वो एक सचेत व्यक्ति हैं, जिन्होंने इस जानकारी को हमारे पास भेजा है। हम उनसे बात करते हैं इस गांव के संबंध में, क्या चल रहा है इस गांव में इस समय पर। देखो, हमारे गांव में काफ़ी दिन से एक बीमारी चल रही है, कैंसर, जो लाइलाज बीमारी है। और जानकारी ये नहीं है कि ये बीमारी गांव में फैल क्यों रही है। हमारे गांव में 10 से 15 पेशेंट हैं जो ख़त्म हो चुके हैं, वो काफ़ी समय से ये चल रही है। आज भी वर्तमान में 5 से 6 पेशेंट गांव के अंदर हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, और दिन प्रतिदिन ये बीमारी निकलती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग से हमारा ये निवेदन है कि गाँव में पता जानकारी की जाए कि किस संक्रमण से बीमारी निकल रही है, पानी में वायरस है कि प्रदूषण है कि क्या है जिस कारण से ये बीमारी फैल रही है। बस इतना ही हम कहना चाहते हैं प्रशासन से कि यहाँ की जांच करवाई जाए और इस बीमारी से गरीब लोगों को, सारे लोगों को मुक्त किया जाए। आप जानकारी मिली है कि पिताजी भी इस बीमारी से पीड़ित हैं, यह बात सत्य है क्या? हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। अभी काफ़ी समय पहले हमारे पिताजी को भी ये बीमारी हुई थी, करीब 1 से 1.5 साल पहले। तो इसका इलाज चलता रहा और आगे चल के उनको, वो हम लोगों के बीच में से जा चुके हैं। और इस बीमारी को लेके हम भी ये चाहते हैं कि आगे चल के किसी परिवार में ऐसे केस ना आए और हमारा गांव है जो स्वस्थ रहे, सारे परिवार खुश रहें। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि जांच करवाएं तो कौन सा वायरस है जिससे ये बीमारी गाँव में बार बार उत्पन्न हो रही है। लाइलाज बीमारी है जिसे कहते हैं कैंसर। इन ये भी अनुरोध कर रहे हैं इनके भी परिवार से, जो पिताजी थे इनके, मुखिया थे, वो भी आज दुनिया में नहीं रहे हैं। अचानक इनको बीमारी की जानकारी ली और 1.5 साल में इनके पिताजी की भी दवाई कराते रहे। काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट है कैंसर जैसी बीमारी का, गरीब से लेके अमीर तक यह बीमारी घर कर रही है।